मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी भिंडी फ्राई की रेसिपी। अगर आप एक बार ये भिंडी फ्राई बना लेंगे तो आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगा और आप बार बार बनाकर इसे खाएंगे। इसके लिए हमें ले लेना है ताज़ा फ्रेश भिंडी। भिंडी को मैं अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर ली हूँ और इसे सुखा ली हूँ थोड़ा सा पंखा में। इसे हमें बीच से कट करना है। इस तरह से हमें बीच से इसे कट कर लेना है और बड़े वाले भिंडी को चार टुकड़ा में इस तरह से कट कर लेना है। सारा भिंडी मैं कट कर ली हूँ, अब इसे बनाते हैं। कढ़ाई गर्म कर लिए हैं और इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल को गर्म होने देंगे। अब इस पर पचफोरन ऐड कर दिए, थोड़ा सा पचफोरन को तड़कने देंगे। इसमें भिंडी ऐड कर दे रहे हैं। इसे हमें फ्राई करना है 4 से 5 मिनट बिना मसाला डाले। भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें हमें मसाले ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर, नमक, इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हल्दी का कच्चापन निकल जाने तक। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल दी हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हमें अब इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालना है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डाल के इसे हमें फ्राई कर लेना है। बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, बेसन कच्चा न रहे। चलाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से बनाने से भिंडी फ्राई बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बनाकर ज़रूर देखें। ये सब्ज़ी बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि वो मांग मांग कर खाएंगे एकदम पसंद से। अब देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये फ्राई हो गया है, देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देना है। अब मैं गैस बंद कर दी हूँ। इसे मैं सर्व कर ले रही हूँ। इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व करें, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।